अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं, और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। इंडिया न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है, मैं हूँ फातिमा शेख। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश रायबरेली जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की जयंती से शुरू भाजपा का सदस्यता अभियान। भाजपा की जिला कमेटी ने सूर्य होटल में एक सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर हलवासिया ने कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई। सुशील हलवासिया ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य जिले में अधिक से अधिक सदस्यता बनाना है और भाजपा को भारत में मजबूत करना है। रायबरेली से अंजनी कुमार की रिपोर्ट। सुरेंद्र दाढ़ी जी ने कही थी, इस भारत में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान की व्यवस्था जो थी उसे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खत्म किया, और सबसे पहले जो हिंदू महासभा बनी थी उसके पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके अध्यक्ष थे। हिंदू महासभा के माध्यम से ही वे पहले जीत कर चुनाव जीते थे। अंतरिम सरकार जो बनी थी बंगाल में, उस सभा में मैं था। मुंबई में राम भाव भारतीय संस्थान में कार्यक्रम था और वो महाजन के आयोजक थे आडवाणी जी जैसे महापुरुष संजय भाई जोशी, उस समय महामंत्री सगर। अपने श्रद्धा सम्मान अर्पित करता हूँ और इस हॉल में मौजूद सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और शीश नवाकर उनको मैं इस जनसंघ की स्थापना करके भारत वर्ष में वो जो बदलाव लाए और आज उस बदलाव को देखने के साक्षी हम सब इस प्रेक्षा गृह में बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनके धारा वाले पंडित डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो आरएसएस की सफलता किया था, जब राजनीति में आवश्यकता महसूस हुई तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर हेडगेवार जी के पास गए, आपकी विचारधारा के लोग मुझे चाहिए। और जब गुरु जी से उन्होंने संपर्क कहा तो उन्होंने कहा हम राजनीति करने के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। फिलहाल के लिए इंडिया न्यूज़ 7 में इतना ही, और भी ताज़ा खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।